हर्लोटेक एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म है, और आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं है तब आपके लिए भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो एल्गोरिथम के बिना होता हो, और दुनिया में हर काम के अंदर एल्गोरिथम होती है, तब इसे जानना बहुत जरूरी है। जानते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इन कंप्यूटर साइंस एन एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और परफॉर्मिंग अ कंप्यूटेशनल। एल्गोरिथम एक्ट एज एन एग्जैक्ट लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंडक्ट स्पेसिफाइड एक्शन स्टेप बाय स्टेप इन ईदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अर्थात किसी भी काम को करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम आजकल कई इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है, जैसे आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। इसका उपयोग चीजों को मैनेज, सॉर्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आसान भाषा में एल्गोरिथम किसी भी काम को करने में उपयोग किए गए स्टेप को कहते हैं। अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम। करेक्टली एग्जीक्यूट डाटा, इसका मतलब यह है कि जब हम एल्गोरिथम का यूज कर अपने काम को करते हैं तब हम हमारे टास्क को करेक्टली एग्जीक्यूट कर पाते। बी इजली अंडरस्टूड, जब हम काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो वह काम समझने और दूसरों को समझाने में बहुत आसानी होती है। हाउ डू एल्गोरिथम वर्क। एल्गोरिथम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट एंड कंट्रोल टेबल्स। मतलब कि एल्गोरिथम को समझाने के लिए हम नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्यूडो कोड का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हम एल्गोरिथम को कंप्यूटर को समझाने में करते हैं। एल्गोरिथम सबसे पहले इनपुट और इंस्ट्रक्शन लेता है, उसके अनुसार वह डाटा पर काम करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम, जैसे कि हम लाइफ में कई प्रकार के काम और कई प्रकार की एक्टिविटी करते हैं और सभी में लगभग अलग अलग अप्रोच रखते हैं, उसी प्रकार कई प्रकार के एल्गोरिथम होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में काम आते हैं। जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम, इस प्रकार के एल्गोरिथम का उपयोग ग्रीडी या लालची, अर्थात जैसे कि हमें किसी भी चीज का ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाना हो उसके लिए इस प्रकार के एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लालच बुरी बला है, उसी प्रकार ये गारंटी नहीं होती है कि इस एल्गोरिथम से भी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले। इसके लिए कई प्रकार की अलग एल्गोरिथम होती हैं, जैसे सर्च इंजन एल्गोरिथम, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, रिकर्सिव एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड मेनी मोर। हम टेक्निकल एग्जांपल लेते हैं, मशीन लर्निंग एक एल्गोरिथम का एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कई प्रकार की और ढेरों एल्गोरिथम यूज होते हैं, और आप न्यू टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना और अच्छे से जानना चाहते हैं तब आपको एल्गोरिथम में मास्टरी हासिल करनी होगी, क्योंकि इनमें एल्गोरिथम कई प्रकार से यूज होते हैं। हाउ टू मास्टर ऑन एल्गोरिथम, इट इज ऑल अबाउट स्टडी एंड प्रैक्टिस। एल्गोरिथम में मास्टरी स्टडी और प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ऐसे कई ढेरों फ्री और पेड रिसोर्सेज हैं जिनकी सहायता से हम एल्गोरिथम पर मास्टरी हासिल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके बताइए, और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं ये कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।